ने कहा पुब्बम, पुब्बम माने पहले। क्या सबसे पहले क्या करेंगे आप? मिथ्या मल सोहण, मिथ्यार्थ रूपी मल के शोधन के जो कारण हैं, मिथ्यार्थ रूपी जो मल है उसके शोधन के जो कारण हैं, क्या है कारण? सम्य भेषजम, सम्यक रूपी औषधि, उसका सेवन किया जाता है। सबसे पहले मिथ्यात् को जब तक नहीं निकालेंगे तब तक सम्यक तो हो सकता है क्या? जिस लोहे को चुम्बक बनाना है और बरसों से खुले में पड़ा हुआ है, बरसात भी आती है, धूप भी आती है, सर्दी की ओस की कणवे पड़ते हैं, ऐसे वो लोहे का टुकड़ा अगर चुम्बक से बार बार स्पर्श कराते रहें तो क्या चुम्बक बन जाएगा? फिर आप कहोगे बेकार है, दूसरा निकाल के लाओ। दूसरा निकाल के लाओगे, उसको भी बरसों हो गए, ऐसे लोहे के टुकड़े को हम चुम्बक से स्पर्श कराते आ रहे हैं लेकिन आज तक वो चुम्बक बन नहीं पाया। गुरुजी से जब पूछा, गुरुजी क्या कारण है जो आपने बताया था कि लोहा को यदि बार बार चुम्बक से स्पर्श कराओगे तो एक दिन ऐसा होगा वो लोहे का टुकड़ा भी चुम्बक बन जाएगा, लेकिन मेरे चुम्बक में युग बीत गए, उस चुम्बक से स्पर्श कराते हुए आखिर आज तक मेरा ये मन रूपी लोहे का टुकड़ा कभी चुम्बक बन नहीं पाया है। गुरुजी ने कहा कि अरे वत्स, ये तो बता, तूने उस मन रूपी या लोहे के टुकड़े पर जो काई लगी हुई है उसको हटाया या नहीं हटाया? गुरुदेव ने पूछा तो उत्तर दिया उस शिष्य ने कि आपने कब बताया था कि उसकी काई को हटा करके फिर स्पर्श कराना है? आचार्य भगवान कहते हैं कि वे मानव इतना भी नहीं जानता कि भोजन करने थाली पर बैठा है तो मुंह नहीं खोलेगा तो ग्रास जाएगा कहां पर? क्या ये भी बताना पड़ेगा कि जब भोजन की थाली पर बैठो तो मुंह खोल करके उस मुंह में ग्रास डालना, ये बताने की जरूरत नहीं होती? बच्चे का जन्म होता है, रोता है, माँ निपिल लगाती है, अपने आप मुंह खोलकर चूसने लगता है, उसको कोई शिक्षा नहीं दी गई? तो अनादिकाल से अनंत काल गुजार दिए, अभी तक नहीं समझ पाया कि जब तक उस लोहे की शैवाल को नहीं हटाया जाएगा, काई को नहीं हटाया जाएगा, उसे शुद्ध नहीं किया जाएगा, तब तक वो चुम्बक से युग युग तक आप स्पर्श कराते रहेंगे फिर भी वो कभी चुम्बक नहीं बनेगी। इसी तरह मन रूपी लोहे के टुकड़े पर से जब तक राग द्वेष रूपी शैवाल को हम हटा नहीं लेंगे तब तक हमारा ये मन रूपी लोहे का टुकड़ा कभी भी उस रत्नत्रय रूपी चुम्बक से रत्नत्रय का योग धारण कर नहीं पाएगा। आचार्य भगवंत कहते हैं इसके लिए सबसे पहले मिथ्यात् रूपी मल के शोधन का जो कारण है वो सम्यक् रूपी औषधि का सेवन कर। पच्छा, उसके बाद, पच्छा माने उसके बाद, पश्चात कम्मा कम आमय नाशन, उसके बाद कर्म रूपी आमय माने रोग का नाश करने के लिए चरिय भेषजम, चारित्र रूपी औषधि का सेवधि सेवन करोगे तब जाकर के तुम सिद्धों से जो छिटके बैठे हो स्वजाति में चले जाओगे तो स्वजाति वाले तुझे पुनः अपना पुत्र स्वीकार कर लेंगे, लेकिन जब तक बुजाती में बैठेगा तो कहेंगे कि तू घर से बाहर निकल जा, तूने कुल को कलंकित किया है। चातक पक्षी के लिए जब चातक का पिता कह सकता है अपने चातक शिशु से बरसात नहीं आई जब तक तू पानी नहीं पी सकता,
जातक ने कहा, नहीं पिताजी, मुझे कंठ सूखा जा रहा है, मुझे पानी पीना है। जातक के पिता ने कहा कि बेटा, अपने कुल के अंदर नाले पोखरों का पानी नहीं पिया जाता, जो स्वाति नक्षत्र की बूंद आएगी उससे पानी पी करके हम अपनी तृषा को बुझाया करते हैं। हमारे वंश में यही परंपरा चली आ रही है। लेकिन वो जातक शिशु आतुर हो जाता है कि नहीं, मैं तो जाऊंगा और मानसरोवर पर जाकर के पानी पी करके आऊंगा। पिता ने कहा कि देख, मैं पिता होने के नाते तुझे बार बार समझा रहा हूं, अगर तू नहीं माना और तू पोखरों का गंदे नालों का पानी पी करके घर में वापस आया तो ध्यान रखना, इसे देरी पर चढ़ने नहीं दूंगा, तुझे घर से बाहर कर दूंगा। वो चातक पक्षी नहीं माना, पिता के समझाने पर, डांटने पर, और उड़ान भर लेता है कि मुझे जाना है और पानी पी करके आना है। जब जाता है, उड़ते उड़ते रात्रि होने लगती है, एक वृक्ष का आश्रय ले लेता है। उस वृक्ष के नीचे एक वृद्ध अपने शैया पर सोया हुआ था, अपने पुत्र के इंतजार में कि मेरा पुत्र आए और मैं अपने पुत्र को लेकर के अपने घर की ओर चला जाऊं। वो पक्षी ऊपर वृक्ष पर बैठा है, वो वृद्ध वृक्ष के मूल में अपने सैया पर लेटा है। उसका बेटा आता है, जैसे ही बेटा आता है, वृद्ध उठ करके अपने सीने से लगा लेता है कि बेटा, तू वापस लौट आया, तूने मेरे कुल की रक्षा कर ली, चातक के वंश की तरह। जैसे चातक के वंश में अपने कुल की मर्यादा है, वो कभी गंदे नाले और पोखरों का पानी नहीं पीते, उस चातक वंश की तरह तूने मेरे वंश को बहुत ही शुद्ध बेदाग बना करके रख दिया। इस शब्द को जब उस ऊपर चातक पक्षी ने सुना तो जग जाता है, आंखें खोलता है कि अरे, मनुष्य मेरे वंश की प्रशंसा करते हैं। वापस उड़ान भरता है और अपने पिता के चरणों में गिर पड़ता है कि तुमने सही कहा था कि चातक का वंश मनुष्य की जिभ्या पर आज भी यशोगाथा के सम्मान को गाया करता है, मैं कभी अब गंदे नाले और पोखरों का पानी नहीं पीऊंगा। महान भावो, क्या हम चातक से भी गए बीते हैं? जब मन आता है, जैसा मन आता है वैसा ही खाते हैं, जब मन आता है तब खा लेते हैं, ना रात का ध्यान, ना दिन का ध्यान, ना संयम का ध्यान, ना पथ्य का ध्यान, ना पथ्य का ध्यान, ना वक्ष का ध्यान, ना वक्ष का ध्यान। कैसे हम इंसान हैं और धर्मात्मा के नकाबपोश में काम ऐसे करते हैं कि आपसे बड़ा धर्मात्मा शायद इस टोंक में कोई दूसरा मिलेगा ही नहीं। विचार करना, उस चातक पक्षी की तरह कहीं ऐसा तो नहीं है मैं भी मानसरोवर की ओर जा रहा हूं, वहां जाकर के जल पी करके आऊंगा, और जब आप जाएंगे तो देवों के द्वारा सुनेंगे कि एक मनुष्य में ही ये शक्ति मौजूद है कि वो असंयमी से संयमी बन सकता है। हमारे अंदर ये शक्ति मौजूद नहीं है। उस मनुष्य की भी आंखें खुलती हैं कि मेरे अंदर केवल मैं ही संयम धारण कर सकता हूं, देव नहीं कर सकते। रे मानव केवल तू संयम रख सकता है, इसलिए देवता भी नर भव को तरसता है। भजन नहीं सुना रहे, लेकिन अपन ये सोचें कि वो देवलोक का देव आपकी पर्याय की इंतजार कर रहा है कि एक पर्याय, एक बार मनुष्य भव की पर्याय मुझे मिल जाए, फिर मैं भी अपने आत्मा का कल्याण कर पाऊंगा। तो ध्यान रखना महान भाव, हम अपने ज्ञान को, हम अपने ध्यान को, हम अपने बल को, हम अपने कर्तव्य को हवा में उड़ाने की कोशिश ना करें। हम अपने आप में इतने संभल जाएं कि देवगण आपके रोग की चिंता करते हुए औषधि लेकर के आएं और आप कहो कि हम देवों का बना हुआ कुछ ग्रहण नहीं करते। याद है आपको,
धर्मरुचि नाम के वो मुनिराज जब आहारचर्या से वापस लौट रहे थे, आहार करके और रास्ता भटक जाते हैं। ग्रीष्म काल की भयंकर तपन, ककड़ीले पत्थरों पर होकर के जब रास्ता भूल गए तो लंबे रास्ते निकल गए। सारा कंठ जो त्रसा से गीला करके, पानी से गीला करके आए थे, सूख जाता है और भटके हुए जगह पर जाकर बैठ जाते हैं एक शिला पर जो गर्माहट से सारे शरीर के अंदर से धुआं निकाल रही थी। गंगा देवी आती हैं, गंगा का जल लाती हैं और कहती हैं बड़े विनय वंदना के साथ, हे महान योगेश्वर, क्यों अपने इस देह यष्टि को काट की तरह जलाते हो? लो, मैं आपके लिए ठंडा शीतल जल लाई हूँ, इसको ग्रहण कर लो। मुनिराज ने कहा, हे देवी, हम दिगंबर मुनि हैं, सच्चा संयम दिगंबर मुनियों के पास हुआ करता है, वो तुम्हारे असंयमी देवों से कुछ भी ग्रहण नहीं करते। दिगंबर यतिराज सिर्फ एक बार भोजन करता है, एक बार पानी पीता है, उसके बाद वो भी उसका एक समय नियत है। तुम जाओ, ये जल मेरे ग्रहण करने के योग्य नहीं है। देवी ने कहा कि हे महायोगेश्वर, क्या तुम्हें अपने जीवन की चिंता नहीं है? देखो ना, तुम्हारा तालु, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा शरीर यष्टि यानी कि लकड़ी की तरह जला जा रहा है, फूका जा रहा है। इसको बचाने की तुम्हें की भी चिंता नहीं है? अगर शरीर होगा तभी तो धर्म ध्यान करोगे। उन यतीश्वर ने कहा कि देवी, अभी मैं आहार करके आया हूँ, त्रिषा की भयंकर पीड़ा मुझे चूंकि सता रही है, लेकिन फिर भी अब मैं तुम्हें एक मास का उपवास ग्रहण करता हूँ। वो महा प्रचंड तप को करने वाले धर्मरुचि नाम के यतिराज पुनः एक माह का व्रत धारण कर लेते हैं। तिलमिला जाती है गंगा देवी कि कैसे है ये, गले कंठ सूखा गया, प्राण कंठ तक आ गए, देह यष्टि की तरह जल रही है, फिर भी एक मास का उपवास। अरे कल जल ले लेते तो आपका क्या जाता? लेकिन उन्होंने अब अपना मौन धारण कर लिया था और अपने ध्यान में उतर गए। गंगा देवी का हृदय टूक टूक हो जाता है। ऐसे होते हैं हमारे जैन साधु जो शरीर की भी चिंता नहीं करते और एक साथ 30 दिन का उपवास ग्रहण कर लेते हैं। मुझ पे तो एक क्षण भी नहीं रहा जाता। तिलमिला जाती है और सीधे पहुंचती है विदेह क्षेत्र, जहाँ सीमंदर स्वामी अपने समम शरण में अपना उपदेश के लिए अपने ज्ञान की वर्षा कर रहे थे। प्रश्न रख देती है कि भगवान, मेरे ऊपर कृपा की बरसात कीजिए, कैसे है वो देहधारी दिगंबर यतीश्वर जिनका कंठ तालु तक आ गया है, चिपक गया है, आंखें बाहर निकल आई हैं, श्वास क्रिया तेजी से ऊपर नीचे हो रही है, सारा बदन लकड़ी की तरह धुआं से जल रहा है, उनकी रक्षा कीजिए, मैं जल लेकर के गई, उन्होंने ग्रहण नहीं किया। क्या कहा था पता है उन्होंने? उन्होंने कहा, देवी, वो दिगंबर यति ऐसे समोषण की रचना कर रहे हैं, इस समोषण की पात्रता उनके अंदर आएगी, अगर तुम्हारा जल ग्रहण कर लेंगी तो पात्रता समाप्त हो जाएगी। वो दिगंबर तपोधन है, किसी भी देव और देवी की किसी भी दक्षिणा को वो स्वीकार नहीं करेंगे। तुम जाओ, अपने स्थान पर उनको अपनी चर्या करने दो। वो मुक्ति वल्लभा का वरण करने के लिए सुंदर वरमाला को गूंथ रहे हैं, रत्नत्र की वरमाला को तैयार कर रहे हैं। ऐसे यतराज के लिए तुम पानी लेकर के जाओगी, उनके व्रत भंग होंगे, लेकिन मुझे विश्वास है वो ऐसे यतिराज हैं
जो मेरे वंशज कहलाते हैं। मेरे वंशज जितने भी लघुनंदन आज धरती पर अपना विचरण कर रहे हैं, वो कभी भी अपने व्रतों की शिथिलता को स्वीकार नहीं करेंगे, अपनी दृष्टि को कोप से दूषित नहीं करेंगे। क्रोध भंगमा उनसे कोसों दूर रहती है। वात्सल्य जिनके रग रग में प्रवाहित होता है, ऐसे होते हैं मेरे दिगंबर वंशज। इसलिए हे गंगा देवी, अब तुम कोई चिंता ना करो। देवी को कहाँ शांति थी। उसने कहा, ऐसे यतिराज जिन्होंने अपनी तपस्या के आगे अपनी जिंदगी को भी नहीं समझा। लोग जिंदगी बचाते हैं, ये जिंदगी गंवाने में लगे हैं। लोग अपने शरीर की रक्षा करते हैं, ये अपने शरीर को नष्ट करने में लगे हैं। कैसा है ये इंसान जिसने अपने तन पर एक चिंदी भी नहीं रखी है। जल लेकर के गई, कितना सुष्ट जल था, कितना शीतल जल था, कितना मिष्ट जल था। अगर तनिक ले लेते तो कम से कम प्राणों की रक्षा तो हो जाती। लेकिन देवी ने देखा कि समोषण में विराजमान भगवान ने भी यही कहा कि तुम चिंता ना करो, वो तो वरमाला का गुंथन कर रहे हैं, समोषण की रचना चल रही है, उनकी दिव्य धनी खिलेगी, इसलिए तुम्हारे लिए बात नहीं करी। और मौन को धारण करके वो बाहर से भीतर चले गए। अब देवी परेशान है। उसने कहा, ठीक है, अगर वो यतिराज मेरे जल को ग्रहण नहीं करेंगे, उन्होंने एक मास का उपवास मेरे सामने ही ग्रहण कर लिया, अब उनकी रक्षा करूंगी। तीव्र ग्रीष्म काल की प्रचंडता को चारों ओर शीतलता की बयार बहा देती है। शीतल गंध युक्त, सुगंध युक्त, हल्की हल्की बरसात की बूंदा छटका देती है। ऐसे मोक्ष मार्गी की रक्षा कौन करेगा अगर मैं नहीं करूंगी तो। तप साधना में जो दत्त चित्त हैं, समता रस में पगे हैं, तनिक चिंता नहीं है अपने इस पुद्गल की। ऐसे पुद्गल की रक्षा मैं करूंगी ताकि इनका आत्म ध्यान निर्वाध रूप से होता रहे और इनकी रत्नत्रय की यात्रा पूरी हो और अपने लक्ष्य को प्राप्त हो जाए।